नमस्कार, अमर उजाला डॉट कॉम पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, कोलकाता रेप केस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। 20 तारीख को पहली सुनवाई हुई थी, आज दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। और जब सुनवाई की तो इतने सारे सवाल बंगाल सरकार के वकीलों से पूछे कि वकील बगले झांकते नजर आए। बैटरी ऑफ लॉयर्स बंगाल सरकार की तरफ से मौजूद थी, करीब 21 वकील, और जिनको लीड कर रहे थे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल। तमाम सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछे गए। 3 जजों की बेंच थी, खुद सीजीआई उस बेंच में शामिल हैं। उन्होंने जिस तरीके से पूरा केस को लेकर जांच हुई और खास करके बंगाल पुलिस को लेकर जो टिप्पणियां की गई वो बहुत चौंकाने वाली। और खुद जब जजों को यह कहना पड़े कि पुलिस का कामकाज बहुत शर्मसार करने वाला है, तो आप इसके मतलब निकाल सकते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक की गई, गलतियां की गई या दबाने छुपाने की कोशिश हुई, जिसको लेकर ये पूरे सवाल हो रहे हैं। क्या कुछ कोर्ट में हुआ था लगातार अलग अलग सोशल मीडिया पर तो आप देख रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमने हमारे साथ जोड़ा है सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता शशांक शेखर झा को, जो हमारे साथ मौजूद हैं, जो खुद उस वक्त कोर्ट में मौजूद थे और किस तरीके से इस केस से वो जुड़े हैं वो भी हम उनसे जानेंगे। और कोर्ट में क्या कुछ हुआ, जो टिप्पणियां की गई, सीबीआई की जो स्टेटस रिपोर्ट आई, उसके क्या मायने निकाले, और सुप्रीम कोर्ट ने जितने सवाल पूछे, कितनी मुश्किलें बंगाल सरकार की जवाब देने में, और कितनी शर्मसार करने वाली बंगाल पुलिस के लिए वो टिप्पणियां और सवाल थे, ये सब जानने और समझने की कोशिश करेंगे। शशांक, बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला डॉट कॉम पर। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आज जिस तरीके से कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर बहस हुई, जो तमाम तर्क दिए गए, खास करके कोर्ट की जो टिप्पणियां रही वो बहुत चौंकाने वाली रही, क्या क्या प्रमुख चीजें थी इसमें? नमस्ते आदर्श जी, और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज सुप्रीम कोर्ट में चौंकाने वाली बात हुई जब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस पारदीवाला को ये कहना पड़ा कि 30 साल के उनके अपने करियर में पहली बार इस तरीके से उन्होंने पुलिस की लापरवाही देखी है। जो विक्टिम है जिसकी हत्या हो गई रेप करने के बाद, उसका जो शव था वो सुबह 9 बजे मिलने के बावजूद इस केस में जो FIR है वो हुआ 11:45 रात में। तो मतलब इतना लंबे टाइम तक क्यों लगा, ये प्रश्न सुप्रीम कोर्ट को कम से कम 10 बार पूछना पड़ा और एक कोई स्पष्ट जवाब इसका था नहीं इनके पास। बार बार ये बातों को घुमा रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को पकड़ लिया था कि बाकी सब बातें एक तरफ, लेकिन आपको इतना समय क्यों लग गया। तो ये क्वेश्चन ऐसा था कि जिसमें मुझे लगता है कि आगे जाके स्टेटस रिपोर्ट आज बंगाल सरकार ने दिया है, लेकिन इनको बहुत दिक्कत होने वाली है। दूसरा प्रश्न ये होता है कि किस तरीके से वहाँ वैंडलिज्म हुआ है। वैंडलिज्म जब वहाँ प्रोटेस्ट हो रहा था तो उसको वैंडलिज्म को लेके, उसको लेके अलग से प्रश्न हुआ, तल्ख टिप्पणियाँ आई हैं। और क्योंकि काफ़ी सारे एसोसिएशन, जैसे मैं भी एक डॉक्टर्स के एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा था यहाँ UDFA, जो कि 20,000 से 25,000 जिसमें डॉक्टर्स हैं, तो एक सिक्योरिटी और सेफ्टी को लेकर प्रश्न हो रहा है, क्योंकि कई सारे स्टेट में इंक्लूडिंग वेस्ट बंगाल हमने देखा कि किस तरीके से उनके ऊपर में एक्शन लिया गया है, उनके ऊपर FIR हो रही है, उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है एक्सेट्रा। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आज आश्वस्त किया है, रिक्वेस्ट करते हुए कि आप सब वापस से ज्वाइन करिए अपने अपने कामों को, और हम एज अ सुप्रीम कोर्ट देखेंगे कि आपके ऊपर कोई भी एडवर्सियल एक्शन ना हो आज तक के। क्योंकि काफी सारी बातें हो रही थी कि जैसे दिल्ली में FIR हो गया या बंगाल में इस तरीके की घटनाएं हुई हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें प्रोटेक्शन दिया, क्योंकि बंगाल गवर्नमेंट के वकील कपिल सिब्बल साहब बार बार कह रहे थे कि इस तरीके का परमिशन नहीं होना चाहिए या प्रोटेस्ट का परमिशन में कंडीशन होना चाहिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक बात और जो बहुत अजीब सी हुई कि बार बार इस इतने संगीन मैटर में जहां इतना बड़ा दुष्कर्म हुआ है, बार बार कपिल सिब्बल हंस रहे थे या उनके साइड से हंसी की आवाज आ रही थी, जिसपे सॉलिसिटर जनरल साहब तुषार मेहता ने बहुत घंघोर एक आपत्ति जताई और कहा कि इतने संगीन मैटर में हंसी आने की बात मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है। और आखिरी में सॉलिसिटर जनरल साहब और उसके अलावा अन्य वकीलों ने भी सुप्रीम कोर्ट की सराहना की है कि धन्यवाद आपका कि आपने इस मामले में सुओ मोटो लेके इसमें बात की, क्योंकि डॉक्टरों के मन में या जो जो और स्टाफ हैं आपका मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, उनके मन में काफी रिस्क था, काफी डर था, काफी दबाव था कि ये अहम बात आप कह रहे हैं शशांक, लेकिन डॉक्टरों की भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा फोकस करना चाहता हूं, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया, हाईकोर्ट ने जिस तरह की टिप्पणियां की थी कलकत्ता में वो हमने देखा था, उसके बाद सीबीआई इस पूरे मामले में आती है। अब 7-8 दिन हो गए सीबीआई की जांच को चलते हुए, सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की, उसमें बहुत सारे सवाल उठाए। सबसे पहले तो ये क्राइम सीन को लेकर जो बातें कही गई, दूसरा जो रवैया पुलिस का रहा उसको लेकर, जो टाइमिंग है पुलिस उसको वेरीफाई कर रही है, जो पुलिस के तमाम दस्तावेजों में अलग अलग टाइमिंग्स का जिक्र है उसको वेरीफाई कर रही है, जिसको लेकर सभी जजों ने और पारदीवाला साहब ने तो सीधे सीधे कह दिया कि बहुत शर्मसार करने वाला है, ये तो एक बहुत बड़ी टिप्पणी हो गई ना। बिल्कुल, बहुत बड़ी टिप्पणी हुई है। और सबसे बड़ी बात इसमें ये सिर्फ ये नहीं है कि FIR करने में देरी हुई, दूसरी दिक्कत ये हुई कि FIR किसके कंप्लेंट पे हुई, क्यों उसके पिताजी को वेट करना पड़ा कंप्लेंट डालने के लिए और तब FIR हुआ, क्यों नहीं इंस्टीट्यूट की तरफ से FIR हुआ। एक दूसरी टिप्पणी ये आई कि क्यों प्रिंसिपल को वहां से हटा के तुरंत दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया, जबकि उनके ऊपर में डाउट चल रहा था।
आज मीडिया को एक तरह से गैग करने की भी बात की गई कि मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, कोर्ट ने उसके ऊपर भी बंगाल सरकार के फेवर में नहीं दिया। तो मोटा मोटी बात यह हुई कि इतना लंबा चौड़ा आपको इकट्ठा करना पड़ा वकीलों का झुंड, उसके बाद भी आपके फेवर में कुछ आते हुए दिख नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट को इस मैटर को जो सुप्रीम कोर्ट ने सुगो मोटो लिया था, डिस्पाइट द फैक्ट कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने में मैटर ये ऑलरेडी चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने उसका जस्टिफिकेशन भी दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें ये मैटर इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि इस मामले से ना सिर्फ कलकत्ता का वो आरके कॉलेज या वेस्ट बंगाल के दूसरे हॉस्पिटल्स, बल्कि एंटायर इंडिया के जो मेडिकल स्टाफ है उनको, उनके मन में जो एक अवधारणा गई है या उनके फैमिलीज के मन में अवधारणा गई है, ये बहुत गलत जाता है। इनफैक्ट एक स्टेटस रिपोर्ट पिछले डेट पे ये भी सबमिट किया गया था जिसमें बताया गया था, परसों जो डेट लगी थी उसमें पता चला कि इस कॉलेज में 250 महिलाएं एज अ डॉक्टर अपना अपनी सेवाएं दे रही हैं, और इस घटना के बाद उस 250 में से आज की डेट में मात्र 30 से 40 लोग बचे हैं। तो इसका मतलब है कि इतना बड़ा डर का माहौल है, तो सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि आप उनके ऊपर कोई एडवर्सियल एक्शन नहीं लेंगे और आपको प्रोटेक्शन देना ही पड़ेगा। मुझे एक बात बताइए, एक तो डॉक्टरों की बात भी बहुत अहम हो जाती है क्योंकि जो मांगे लेकर डॉक्टर की तरफ से, खासकर फेमा की तरफ से जो पूरी मांगे उठाई जा रही थी वो बड़ी चुनौतीपूर्ण है। हालांकि जज साहब ने ये कहा, खुद सीजीआई ने इस पर टिप्पणी की कि भाई मैं भी सरकारी अस्पताल के फर्श पर सोया हूं, और उन्होंने ये भी कहा कि ड्यूटी ड्यूटी है, कोर्ट और डॉक्टर्स दो ऐसी चीजें हैं जिनको अपना काम करना होगा, समझाने की कोशिश की। ये भी कहा कि जो कमेटी बनाई है, टास्क फोर्स है, वो इस पर अपना काम कर रही है। ये मांग बहुत सालों से उठती रही है, लेकिन कोलकाता में जिस तरह से विभत्स घटना हुई, दरिंदगी हुई, उसके बाद पूरे देश भर के डॉक्टरों में, खास करके महिला डॉक्टरों में जो इस तरह से ट्रेनीज हैं, अलग अलग शिफ्टों में हैं, रेजिडेंट्स हैं, सब में बड़ा डर है शशांक। यानी अनफॉर्चुनेट फैक्ट है आदर्श जी कि इतनी बड़ी घटना हो गई और उसके बाद हमको आज ये सोचना पड़ रहा है कि हमको इनके प्रोटेक्शन के लिए क्या चाहिए। आज यही बात सुप्रीम कोर्ट के सामने आई कि न सिर्फ लोगों की बात बल्कि जो जो वहाँ पे हॉस्पिटल आते हैं, जिनका इलाज चलता है, उनकी फैमिलीज, कई बार डॉक्टरों को डायरेक्ट फेस करना पड़ता है, और उस केस में इस तरीके का कोई प्रोटेक्शन नहीं है। 23 राज्यों में कानून है लेकिन उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, बाकी राज्यों में कानून तक नहीं है। तो उनके साथ जो हिंसा हो जाती है, उन घटनाओं का क्या, 10-10 साल तक केसेस चल जाते हैं उनका क्या? तो ये जो टास्क फोर्सेज हैं उनको, उसको लेके भी एक पॉजिटिव रुख तो जरूर रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स बनाया, लेकिन एक दूसरी आपत्ति काफी लोगों को थी और मेरे एसोसिएशन को भी थी कि उसमें यंग लोगों का एक इन्वॉल्वमेंट नहीं था, एसोसिएशन का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तो उसमें हमारे रिक्वेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो सभी सुझावों को लेंगे और उसके बाद ही कार्य करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का ये रुख बहुत अच्छा है जिसमें उन्होंने कहा है कि सिर्फ कलकत्ता स्पेसिफिक या ये कॉलेज स्पेसिफिक नहीं, अपितु इससे सीखते हुए पूरे राष्ट्र भर में जितने भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं और वहाँ पे डॉक्टर ही नहीं अपितु बाकी भी जो हेल्थ स्टाफ हैं सबको लेके कार्य होगा और उनके प्रोटेक्शन और उनके सेफ्टी और उनके सिक्योरिटी के लिए कार्य किया जाएगा। क्योंकि चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर महिलाएं जो डॉक्टर की तरह अपनी सेवाएं दे रही हैं, अगर वो प्रॉपर तरीके से निर्भीक होकर वहाँ कार्य नहीं कर पा रही है तो ये बहुत शर्मनाक वाली बात है, और इसीलिए उनको ये सुगो मोटो लेना पड़ा। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि उसके बाद भी आज कलकत्ता या वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरीके के स्टेटमेंट्स आ रहे थे, इनफैक्ट एक स्टेटमेंट को तो कोट भी किया गया, जबकि बंगाल के एक सिटिंग मिनिस्टर कह रहे हैं कि अगर आप ममता बनर्जी पर उंगली उठाओगे तो आपकी उंगलियां काट देंगे या उंगलियां तोड़ देंगे। तो सॉलिसिटर जनरल साहब ने ये बात कही है, तो उसके बाद सीजीआई का ये कहना था कि इस तरीके की पॉलिटिकल बयानबाजी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और आपको महिलाओं को या डॉक्टर्स को सुरक्षा देनी पड़ेगी। एक प्रश्न ये भी आएगी, क्या सीआईएसएफ की सिक्योरिटी आ गई है? क्योंकि लास्ट डेट पर जस्टिस पारदीवाला और सीजीआई ने ये साफ कहा था कि इस हॉस्पिटल को या इस इन डॉक्टरों को जहां पे ये घटना हुई है सिर्फ पुलिस के भरोसे नहीं रख सकते, क्योंकि वैंडलिज्म वहां ऑलरेडी एक बार हो चुकी है जब 7,000 की मौत घुस आई थी और पुलिस वहां थी नहीं। तो आज ये पूछा गया कि क्या सीआईएसएफ वहां आ चुकी है, और कहा गया कि हाँ सीआईएसएफ अब फाइनली प्रोटेक्शन देने के लिए आ गई है। तो ऐसा मामला जिसमें एक सरकारी हॉस्पिटल में सीआईएसएफ को उतारना पड़े प्रोटेक्शन देने के लिए, या कोर्ट को बार बार ये बड़ी चिंता की बात है, और ये बड़ी चिंता की बात है। इसी में एक चीज और मैं जोड़ता हूँ शशांक, क्योंकि बड़ा अहम हो जाता है इस बात को समझना। देखिए, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, दूसरी तरफ चाहे अभिषेक बैनर्जी हो या ममता बैनर्जी हो, अभिषेक बैनर्जी सोशल मीडिया पर लिखते हैं, ममता बैनर्जी की तरफ से जानकारी ऐसी आती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है कि रेप को लेकर, रेप जैसे घिनौने अपराधों को लेकर बहुत सख्त कानून बनाए जाने की जरूरत है। उसको कैसे देखें, कानून तो अपने यहाँ पहले भी रहे हैं, लेकिन सबसे पहला सवाल तो उन एजेंसियों, उन सिस्टम में शामिल उन तमाम चीजों पर, चाहे पुलिस का सिस्टम है, उन पर सवाल खड़े होंगे ना कि भाई वो अपनी ड्यूटी कितनी, किस तरीके से कर रहे थे, और अगर ठीक तरीके से कर रहे होते तो शायद सुप्रीम कोर्ट में आज जो टिप्पणियां हुई वो नहीं होते, या केवल राजनीति के लिए इस तरह की मांग बार बार सामने आ रही। कैसे आप देख रहे हैं इस पूरी सिचुएशन को, क्योंकि कानून
आदर्श जी, इस घटना के एक बहुत अच्छी बात हुई कि केंद्र सरकार ने एक डायरेक्टिव निकाला और सभी राज्य सरकारों को दिया है कि किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या हॉस्पिटल के अंदर इस तरीके की अगर कोई वायलेंस की घटना होती है तो 6 घंटे के अंदर में उनको अपडेट देना पड़ेगा। पहले ये नहीं थी, इस वजह से ये दिखा गया कि इस केस में 9 बजे की विक्टिम की बॉडी मिलने के बाद भी जो FIR हुआ है रात में 11:30 बजे के बाद हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये काफी सकारात्मक रुख रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि जो भारतीय न्याय संहिता आई है नई वाली, जो IPC को रिप्लेस करके आई है, वो न्याय देने के लिए आई है। न्याय आप उसके लिए दे देंगे, उसके अंदर बहुत सारे प्रोविजंस हैं, कितना सख्ती से निपटाना है वो भी देख लेंगे, लेकिन जो प्रोसीजर है वो फॉलो करने का जिम्मेदारी तो लोकल पुलिस की ही होगी, या उसको कैसे आप क्रियान्वित करेंगे, कैसे आप उसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन से पहले FIR होने की जरूरत है, पोस्टमार्टम प्रॉपर्ली हो, ऐसी चीजें हो जिससे लगे कि आप न्याय कर रहे हैं। अगर उस पर डाउट होगा तो आपके कार्यशैली पर डाउट होगा। तो मेरा मानना है कि उसको लेके सरकारों को एक चेतना की जरूरत है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने आज ये भी कहा कि हम सभी जो हेल्थ सेक्रेटरीज हैं उनके साथ भी एक मीटिंग कर सकते हैं। इनफैक्ट जो हर राज्य के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है उनसे भी बातचीत कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके से सिक्योरिटीज प्रोवाइड की जाए। तो मेरा मानना है कि ये काफी एक स्पष्ट संकेत है। इस तरीके की जो राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, चाहे ममता बनर्जी के थ्रू प्रोटेस्ट करना हो या अभिषेक बनर्जी के थ्रू सोशल मीडिया पे पोस्ट लिखना हो या उनके मिनिस्टर के थ्रू उंगली तोड़ने की धमकी देना हो, मेरा मानना है कि अल्टीमेटली आपको समझना पड़ेगा कि हेल्थ फैसिलिटीज जो डॉक्टर्स या जो नर्सेज या जो हेल्थ स्टाफ प्रोवाइड कर रहे हैं वो वाइटल है किसी भी सोसाइटी के लिए। और दूसरा रुख है पुलिस का, जो कि सोसाइटी में शांति बनाने के लिए है। तो अगर ये दोनों एक दूसरे की हेल्प नहीं करते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आ जाएगी। और इसीलिए मुझे लगता है आज देश के सबसे बड़े संवैधानिक जज, संवैधानिक कोर्ट ने इस मामले को सुओ मोटो लेते हुए किया है और काफी सारे इंटरवेनर्स और रेस्पोंडेंट्स इसमें आए हैं, यही देखते हुए कि ये मामला सिर्फ एक हॉस्पिटल, एक लड़की, एक बच्ची का नहीं है, अपितु हर जगह हम देख रहे हैं इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जो कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नहीं, बदलापुर का उदाहरण हमारे सामने है। बदलापुर में भी आज हाईकोर्ट की तरफ से भी वहां पर फटकार लगाई गई है पुलिस को कि किस तरीके से कार्यवाही हुई, घटना किस दिन होती है, FIR दर्ज करने में इतनी हिलावाली हो जाती है, उसके बाद जो पहली बार जो स्टेटमेंट लिया जाता है वो 22 तारीख को लिया जाता है, मतलब एक अच्छा खासा गैप। तो हालात सब जगह लगभग एक जैसे हैं शशांक, और कम से कम ये पुलिस का तंत्र जिस तरीके से काम कर रहा है सवाल उसी पर उठ रहे हैं। और जो सवाल आज सुप्रीम कोर्ट में पूछे गए उसके जवाब मुझे लगता है केवल बंगाल पुलिस से नहीं सबसे ही पूछे जाने चाहिए। डेफिनेटली किसी एक स्टेट का सवाल नहीं है, नहीं एक पुलिस का सवाल है। इस केस की बात इस बार इसलिए हम बार बार कर रहे हैं क्योंकि इस केस में बंगाल पुलिस या कलकत्ता पुलिस को जिस तरीके से कवर अप करते हुए देखा गया या जिस तरीके से प्रोटेस्टर्स, डॉक्टर्स या सोशल मीडिया पर जो लोग लिख रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन करते हुए देखा गया, इसलिए प्रश्न ज्यादा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बाकी स्टेट्स या बाकी पुलिस अपने प्रश्नों से हट सकती है या भाग सकती है अपनी जिम्मेदारियों से। मेरा मानना है कि FIR एक ऐसी चीज है जो फंडामेंटल राइट है। अगर किसी के साथ कोई घटना होती है तो उसको रिपोर्ट होना कंपलसरी चीज होनी चाहिए, और अगर इंस्टीट्यूट के अंदर होती है तो इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी है कि वो उसको रिपोर्ट करे। अगर FIR रिपोर्ट करने में 12 घंटे से ज्यादा का समय लग जाता है, मेरा मानना है अपने आप में आश्चर्यजनक वाली बात है। जस्टिस पारदीवाला ने आज कहा अगर इस बच्ची का पोस्टमार्टम हुआ था शाम में 4 बजे के आसपास तो आपने मान लिया पोस्टमार्टम तभी होता जब अननेचुरल डेथ हुई है। अगर अननेचुरल डेथ हुई है तब आपको FIR रजिस्टर करने में इतना समय क्यों लग गया। इस मामले में विपक्ष के पास कोई भी तर्क नहीं था और उनकी तरफ से हंसी की आवाज आई जो कि अपने आप में बहुत ही आपत्तिजनक है। इनफैक्ट एक और फनी चीज, वियर्ड चीज बताता हूँ आदर्श जी। कपिल सिब्बल साहब जो बंगाल सरकार की तरफ से लड़ रहे हैं और इस केस में डिफेंड कर रहे हैं बंगाल सरकार को, वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। और कल इतनी आयरनी वाली बात भी कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने बकायदा एक रिजोल्यूशन निकाला जिसमें कपिल सिब्बल का सिग्नेचर है, ये कहते हुए कि हम हमारी संवेदनाएं उस बच्ची के साथ है। तो एक तरह से आप अपनी संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं, दूसरी तरफ से आप इस तरीके से माखोल उड़ा रहे हैं उस बच्ची के डेथ का। मेरा मानना है कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट है और इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कपिल सिब्बल साहब सिर्फ वकील नहीं है। ये अहम बात आप कह रहे हैं शशांक, लेकिन एक चीज मैं समझना चाह रहा हूं क्योंकि आप कोर्ट रूम में मौजूद थे, तमाम लोग, हम लोग सब लोग जो लिंक समय प्रोवाइड किए गए थे उसके जरिए हम कार्यवाही देख रहे थे, क्या सवाल जवाब हो रहे थे वो सब हम देख रहे थे। लेकिन क्योंकि आप कोर्ट रूम में मौजूद थे, जो सवाल बार बार तीनों न्यायाधीशों की तरफ से पूछे गए, खास करके पुलिस के कामकाज को लेकर, पुलिस के तौर तरीकों को लेकर, क्या संतोषजनक जवाब मिल पाए, संतुष्ट नजर आए तीनों न्यायाधीशों से? नहीं, संतोषजनक बिल्कुल नहीं था। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज समय लिया है स्टेटस रिपोर्ट को पढ़ने के लिए। CBI का स्टेटस रिपोर्ट हाथ में आ गया है और बंगाल सरकार का जो पुलिस का, कलकत्ता पुलिस का जो स्टेटस रिपोर्ट है वो भी सामने आ गया है। और इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि दोनों को एक दूसरे से मिलाया, इसमें जो समय है और उसमें जो समय है उसमें समानताएं हैं कि नहीं है। लेकिन और उसमें काफी समय भी लिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, बाकी सारे मामलों को छोड़ के आज इसके ऊपर बात हुई है।
सुप्रीम कोर्ट ने जो अगली तारीख दी है 5 सितंबर तक दी है, और ये आश्वासन दिया है कि हम इस बीच में इन दोनों स्टेटस रिपोर्ट को पढ़ेंगे, देखेंगे किसके बीच में क्या बातें हो रही है। एक और बात आई कि सीबीआई ने यह भी इन्फॉर्म किया सुप्रीम कोर्ट को कि नार्को टेस्ट, जो एक्यूज्ड पकड़ाया है उसका नार्को टेस्ट होगा, उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है आपको कोर्ट से, अगर वो सामने वाला अप्रूव करेगा तभी आप नार्को टेस्ट ले सकते हैं, तो उसके परमिशन की भी बात हो रही है, वो भी प्रोसीजर में है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप उसके भी पीछे पड़े, उसके भी पीछे लगिए, तो ऑर्डर में ये बात भी आई हुई है। तो मेरा मानना है कि नार्को टेस्ट के बाद भी काफी कुछ आएगा, काफी संवेदनशील मामला है, काफी कुछ हो चुका है इस मामले में, दुर्घटना हुई, इतनी बड़ी घटना हुई, घटना के बाद एफआईआर सही समय पर नहीं हुआ, उसके बाद प्रोटेस्टर्स के ऊपर अटैक हुआ, बगल वाले रूम को तोड़ दिया गया, एक फ्लोर को तोड़ दिया गया, अटैक हो गया, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रोटेस्टर्स के ऊपर में एक्शन लिया जा रहा है, सीएम खुद रोड पे आ गई है। तो इस तरीके की जब इतनी सारी घटनाएं हो रही है तो कवर अप लग रहा है। और आज जस्टिस पारदीवाला ने एक बहुत अहम स्टेटमेंट देते हुए कहा कि आपका जो डायरी रिपोर्ट आपने जो पुलिस का सबमिट किया है, क्योंकि आप जब पुलिस के पास कोई कंप्लेन करते हैं तो पहले एक डायरी रिपोर्ट सबमिट होती है, कहा डायरी रिपोर्ट को देखते हुए ऐसा प्रथम दृष्टि लग रहा है, प्राइमा फेसा ही लग रहा है कि ये गलत है, इसमें कुछ गड़बड़ की गई है, बाद में सोची समझी कुछ की हुई है, इसके ऊपर मैं आपको जिम्मेदारी से बताना पड़ेगा। इस तरीके का स्टेटमेंट जस्टिस पारदीवाला की तरफ से आया है, जो मेरा मानना है काफी अहम है, क्योंकि जस्टिस पारदीवाला को यहां तक कहना पड़ गया कि उनके 30 साल के करियर में उन्होंने इस तरीके का गुहा पहली बार देखा है जब पुलिस इस तरीके का कार्य कर रही है। यह हम बात आप कह रहे हैं, लेकिन एक आखिरी चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, मेरे सहयोगी एन अर्जुन भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ कोलकाता से, उनको भी एक बार मैं लाइव में लेकर आऊंगा, लेकिन देखिए बड़ा अहम हो जाता है इसको समझना शशांक, क्योंकि बार बार रेप जैसे मामले होते हैं उसको लेकर सवाल उठता रहता है। मुझे बहुत अच्छे से याद है जब निर्भया केस हुआ था, उसके बाद क्या माहौल बना था, कितनी बातें हुई थी, एक तरीके से पूरा देश सड़कों पर था, लोगों में गुस्सा था, फिर कोलकाता में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, क्विनी डॉक्टर के साथ इतनी दरिंदगी हो जाती है, बदलापुर से खबर आती है जहां पर 2 छोटी 3 और 4 साल की बच्चियों के साथ कोशिश की जाती है इस तरीके से, तो ये जो चिंता बढ़ाने वाली बात है इसको लेकर के भी कोर्ट ने कोई टिप्पणी, कोई डायरेक्टिव सरकार की तरफ से, सरकार को कुछ कहा गया है, क्योंकि बार बार बात होती है। अब राजनीति के लिए ठीक है, चाहे ममता बनर्जी सड़क पर उतर जाए, चाहे कड़े कानून की बात कर लें, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन जब बात रेप जैसे मामलों की होती है तो जहां सबको एक सुर में बोलना चाहिए वो बोलते हुए नजर नहीं आते, तो मुझे लगता है शायद कोर्ट को ही इसमें कुछ हस्तक्षेप करके कुछ ऐसा एक डायरेक्टिव देना होगा, निर्देश करना होगा कि भाई इस पर काम होना चाहिए। आदर्श जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए, कलकत्ता वाला मैटर हो या कहीं का भी मैटर हो, विक्टिम का आइडेंटिटी जिस तरीके से लीक होता है, उसकी फोटोज, उसका नाम, मतलब कलकत्ता के केस में तो इनफैक्ट जो पुलिस के जो आला ऑफिसर थे उन्होंने ही उसका नाम डिस्क्लोज कर दिया, बाद में फोटोग्राफ्स बाहर आ गए, तो मेरा मानना है वो काफी आपत्तिजनक है। और इनफैक्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने साफ कहा कि जिस भी सोशल मीडिया पर इस तरीके के फोटोज है उनको हम डायरेक्ट करते हैं कि आप इसको हटाइए, तो ये ना बहुत आपत्तिजनक चीज है कि हम उसको अभी भी संजीदगी से नहीं ले रहे हैं। ये मामला हो चाहे महाराष्ट्र का मामला हो, चाहे उत्तराखंड का मामला हो, चाहे उत्तर प्रदेश का मामला हो, चाहे बिहार का मामला हो, चाहे केरल का मामला हो, कहीं का भी मामला, अगर रेप की जो घटना होती है वो बहुत बड़ी घटना है, पूरे समाज के साथ उतनी बड़ी दुर्घटना हुई, ऐसे मामले को आपको संजीदगी से लेना पड़ेगा। अगर बार बार इस तरह की घटनाएं हो रही है, इसका मतलब है कि आपके कानून सशक्त होने के बाद भी कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो अभी डॉक्टर्स की दो एस्पेक्ट है, पहला है डॉक्टर्स की सिक्योरिटी और दूसरा है रेप के मामलों के ऊपर कार्रवाई। डॉक्टर्स की सिक्योरिटी के लेके सुप्रीम कोर्ट ने जो टास्क फोर्स बनाया है और अब उसमें और भी लोगों को ऐड करने की बात, एसोसिएशंस को ऐड करने की बात, उनके सजेशंस को लेने की बात हो रही है, उससे मुझे को लगता है कि आगे जाके हम देखेंगे कि किस तरीके से एक नया गाइडलाइंस शायद सामने आ सकता है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की द्वारा गाइडलाइंस जारी करने के बाद वर्क प्लेस पे पॉश एक्ट आ गया या उस तरीके की चीजें आ गई, तो अब शायद डॉक्टर्स और हेल्थ ऑफिशियल्स के लिए भी आ जाएगा। जहां तक रेप की घटनाओं की बात है, जस्टिस वर्मा कमेटी बनी थी 2012 में निर्भया कांड के बाद, उसको लेके उसके बाद काफी स्ट्रिक्ट कानून बने थे मेरा मानना है, और अभी 2019 में भी उसमें और स्ट्रॉन्ग किया गया उसको, लेकिन मेरा मानना है कि अल्टीमेटली जो क्रियान्वित है वो कार्य तो आपका लोकल पुलिस का ही होता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन उन्हीं के हाथ में है, वो कितना गोअप करेंगे उसको होता है। अब हमने कल ही देखा कि क्राइम सीन पर पहुंचने वाले सबसे पहले लोग वही होते हैं, और अगर वहां से ही चीजें वॉशडअप हो गई तो उसके बाद बहुत बड़ा संकट हो जाता है जांच एजेंसियों के सामने तार से तार जोड़ पाने का। शशांक आप रहे मेरे साथ कोलकाता से, मेरे सहयोगी अर्जुन जुड़ गए। अर्जुन बड़ा सीधा सवाल है शशांक को, आप सुन रहे हैं, शशांक लगातार आज पूरे दिन सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे और पूरी जानकारी दे रहे हैं, बहुत जल्दी से मैं आपसे समझना चाहूंगा, ममता बनर्जी की सरकार जो तर्क, जो दलीलें अब तक दे रही थी, आज सुप्रीम कोर्ट में जितने सवाल उनके वकीलों से पूछे गए, सरकार के वकीलों से, एक तरीके से ममता बनर्जी सरकार की तो टेंशन बढ़ गई है, मुश्किलें बढ़ गई हैं, उसके जवाब तक ठीक से नहीं दे पाए वहां पर मौजूद वकील।
आदर्श जी, देखिए कि टेंशन ममता बनर्जी की इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि अभी अभी एक खबर आ रही है, अपडेट देना चाहता हूं आपको कि ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा है और जिसमें कहा है कि दुष्कर्म जैसे घटनाओं के ऊपर जो है कड़े से कड़े कानून बनाए जाएं ताकि जो है जल्दी से जल्द जो है वो पीड़िताओं को न्याय मिले। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ममता बनर्जी एक बार फिर जो है वो घटना जो है जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से उनकी सरकार और उनकी पुलिस प्रशासन को लताड़ लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, ये एक फिर एक रक्षात्मक कदम है कि वो प्रधानमंत्री को पत्र लिख रही है। उसी तरह से तृणमूल के महासचिव अभिषेक बंदोपाध्याय ने भी आज एक ट्विटर पे लिखा कि जो है 50 दिन के अंदर अंदर जो इस तरह के कानून बनने चाहिए। कानून बनने चाहिए बिल्कुल सही है, लेकिन पहली जिम्मेदारी किसकी है? राज्य पुलिस की, और पुलिस किसके पास है? सवाल ये है, सवाल ये नहीं है कि कानून क्या करती है। पहली जिम्मेदारी है पुलिस की, जो घटना स्थल पर पहुंचती है उसके बाद जिस तरह की वो रिपोर्ट और वो सारी जानकारी एकत्रित करती है उसके आधार पे जो है एविडेंस एविडेंस जो है वो बनते हैं और उस तरह से कोर्ट में लड़े जाते हैं। कोर्ट में जो है वो लड़ाई के बाद जो है किसी को जो है वो दोषियों को सजा मिलती है। अगर आप ये सोचिए कि जब पुलिस उस एविडेंस को ही जिस तरह के बताया जा रहा है कि ये घटना सुबह रात की है, उसके बाद पुलिस जो है वो पहुंचती है, उसके बाद ये भी अब जानकारी आ रही है कि वहां पर जो बैरिकेटिंग की जानी चाहिए थी ताकि एविडेंस को जो है नुकसान न पहुंचे, वो भी बहुत देर बाद की गई। तो मैं ये कह रहा हूं कि केवल ममता बनर्जी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखने से कुछ नहीं होगा, वो केवल अपने चीजों को बचाने के लिए, अपने सरकार को और अपनी चीजों को बचाने के इस तरह के जो है हथकंडे अपना रही है, लेकिन लोगों को अब समझ आ गया है क्योंकि जिस तरह की लताड़ आज लगी है एक एक सवाल पर जो है वो जवाब आप देखिए कि उन्होंने कहा कि आप लोगों ने जो है वो मरीज जो गिरफ्तार किया गया उसका आपने मेडिकल परीक्षण कर वो दे नहीं पाया, सुप्रीम कोर्ट सीबीआई ने कहा कि वो जो है हमारे को राज्य पुलिस ने दी नहीं। तो राज्य पुलिस जो है कानून तो बन जाएंगे, कानून देश में बन जाएंगे, लेकिन कानून बनने से किसी को सजा नहीं मिलेगी, इस बात को जानने की बहुत जरूरत है। कानून तो को बनाने से वो यही बात कह रहे हैं कि कानून तो बहुत कठोर कानून पहले से भी है लेकिन उस पर तो बात हो नहीं रही है। अब जाहिर से बात है स्टेटस रिपोर्ट जो दाखिल की गई है अर्जुन, उसको लेकर के भी तमाम सवाल उठ रहे हैं और इसीलिए कोर्ट ने इतनी तमाम तीखी टिप्पणियां की है। समय थोड़ा सा कम है शशांक, मैं आपसे एक आखिरी सवाल है आपसे मेरा, बस एक बात मैं जानना चाहूंगा, स्टेटस रिपोर्ट पढ़ने के लिए कोर्ट ने समय लिया है, आगे की प्रक्रिया कब होगी, अगली सुनवाई में क्या कुछ हो सकता है, कब तक हो सकती है, तमाम चीजें जरा किसको लेकर क्या है इन्फॉर्मेशन आपके पास? आदर्श जी, अर्जुन जी की बात एकदम सही है, कानून बहुत है, कानून को पालन करने की जरूरत है। इनफैक्ट मैं आपको आपके प्रश्नों का उत्तर देने से पहले ये बताऊं कि आज कोर्ट में सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर प्रेजेंट थे जिनसे पूछा गया, स्पष्टीकरण मांगा गया कि ये पैराग्राफ आपने क्यों लिखा है, ये पैराग्राफ आपको कहाँ से मिला, ये टाइमिंग आपने कैसे लिखी, और उसके बाद सीबीआई ने बहुत सारी बातें बताई कि हमको ये स्टेटस रिपोर्ट मिला सरकार से, ये नहीं मिला, इस तरीके की बातें आई हैं। जो अगली तारीख है वो 5 सितंबर की है जिसमें मुझे लगता है आगे की बातें होंगी। तीन बातें जो मुझे लगता है 5 सितंबर को हो सकती है, एक सीबीआई को क्या तब तक तथ्य मिल रहे हैं क्योंकि नार्को टेस्ट भी तब तक परमिशन मिलने के, क्योंकि नार्को टेस्ट जो जिस मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन गया है उसको ऑर्डर उनको ऑर्डर दिया गया कि 23 तारीख यानी कि कल शाम में 5 बजे तक उनको आदेश देना पड़ेगा नार्को टेस्ट का परमिशन, या तो हाँ बोलेंगे या तो ना बोलेंगे। अगर नार्को टेस्ट का परमिशन मिल जाता है तो 5 सितंबर की जो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई होगी उसमें वो नार्को टेस्ट के रिपोर्ट की बात होगी। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट 5 सितंबर को स्टेट का जो रिप्लाई आया है और जो सीबीआई का रिप्लाई है उन दोनों को कंपेयर करते हुए देखेगा कि क्या सिमिलैरिटी और कहाँ पे लैक हो रहा है, क्योंकि इस केस में जो लैक साइड एटीट्यूड है कि जो टाइमिंग हो रही है लेट हो रहा है, उसके बाद का इन्वेस्टिगेशन बॉसअप हुआ है, जिस तरीके से अटैक हुआ है वो एक देखा जाएगा। और तीसरा, मुझे लगता है कि जो टास्क फोर्स जो बनाया है सुप्रीम कोर्ट ने, बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े एसोसिएशन का भी अब उन्होंने लिया है, राय ली है, राय मांगी है, मेरा मानना है कि उसको लेके एक जनरल डायरेक्शन शायद ऑल ओवर इंडिया आ सकता है कि किस तरीके से प्रोटेक्शन मिल सकता है हेल्थ सर्विसेज देने वाले हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज और इंटर्न्स को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि ना सिर्फ कलकत्ता हिंसा को मामले में न्याय हो बल्कि ये भी बहुत जरूरी है कि इस तरह की घटनाएं दोबारा बिल्कुल ना हो और बाकी जगहों पर भी इस तरह की चीजों को सुनिश्चित किया जाए कि इस तरह की चीजें ना हो। बहुत अहम बात आप कह रहे हैं, आप दोनों का बहुत धन्यवाद फिलहाल के लिए। शशांक आपका भी, सुप्रीम कोर्ट से शशांक मौजूद है, कोलकाता से मेरे सहयोगी अर्जुन मौजूद है, हालांकि अर्जुन हमारे साथ जुड़े लेकिन थोड़ा लेट से जुड़े, लेकिन बहुत अहम बातें अर्जुन ने उठाई है, जिस तरीके से राजनीति हो रही है उसको लेकर उन्होंने तमाम बातें कही। अब समझने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की है क्या उसके बाद ममता बनर्जी की सरकार चेतेगी, जो काम करने का पुलिस के जो फंक्शनिंग का तरीका है उस पर कुछ काम होगा, उस पर कुछ ठोस
रास्ता, कोई ठोस कदम उठाया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। अब 5 सितंबर को जब अगली सुनवाई होगी तब तक सीबीआई जांच में भी शायद काफी सारे तथ्य और निकल कर आए जिनको लेकर के भी बात होगी, लेकिन उसके बाद आगे क्या होता है वो तो हम आपको अपडेट देंगे ही। लेकिन इस वक्त की बड़ी बात यही है कि ममता बनर्जी सरकार की मुसीबतें सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद बढ़ गई हैं। अब क्या कुछ होता है बंगाल में, क्या इस पर केवल राजनीति होती रहती है, कोई ठोस कदम उठाए जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए amarujala.com पर बने रहिए। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।